ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी जनता की होती है, लेकिन इसके बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान की जिम्मेदारी वो पत्रकार लोगों की होती है। अगर वो ईमानदारी से सारी सूचनाएं सारी जानकारी देते हैं तो उससे दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं, सरकार भी लाभान्वित होती है और लोग भी लाभान्वित होते हैं। तो पत्रकारिता का यही एक रोल है बीमारियों को कंट्रोल करने में, विकलांगता को कंट्रोल करने में और सुविधाओं के कहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराने में भी पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। पत्रकारिता है वो आपका स्वास्थ्य के जन स्वास्थ्य के बारे में, लोगों के स्वास्थ्य के बारे से संबंधी मुद्दों के बारे में आप सूचना इकट्ठी करते हो, उस पर आधारित आर्टिकल लिखते हो और वो जो आर्टिकल्स में सूचना होती है उसको पुनः लोगों तक पहुंचाते हो और उन समस्याओं के बारे में जो पब्लिक के अंदर हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, उनसे आप जो शासन पक्ष को भी पहुंचाते हो, सरकार को पहुंचाते हो ताकि उनको पता चले कि समाज में कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें, जिनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है, कौन सी सर्विसेज चाहिए वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए या किसी प्रकार की जो विकलांगता समाज में फैल रही है उसको कम करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सरकार अवेलेबल कराती है उसी पर आधारित। और उसमें सरकार, बहुत से देशों की सरकारें जो अनुसंधान कार्य होता है स्वास्थ्य क्षेत्र में उसकी भी जानकारी रखती हैं और उस जानकारी को भी शामिल करती हैं प्रोग्राम बनाते समय, उस पर भी ध्यान देती हैं। तो स्वास्थ्य का पत्रकारिता का मतलब अर्थ यही हुआ कि आप सूचनाएं कलेक्ट करो स्वास्थ्य से संबंधी, बीमारियों से संबंधी या विकलांगता से संबंधी और उस सूचना को इकट्ठा करके आप सरकार तक पहुंचाते हो, सरकार प्रोग्राम बनाती है, सर्विसेज उपलब्ध कराती है, सेवाएं उपलब्ध कराती है, सुविधाएं उपलब्ध कराती है और साथ में बीच बीच में उसका उसके मूल्यांकन भी करती है, सरकार भी करती है और पत्रकार लोग भी उसको मूल्यांकन कर सकते हैं जाकर के कि वो सुविधाएं जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची। बीमारियों के क्षेत्र में जो क्या नई जानकारी आई है किसी भी बीमारी से संबंधित, उस बीमारी के रोकथाम और उसके जो साधन है उसको पहचान करने के, उनको उन साधनों को बारे में जानकारी देना पत्रकारिता का काम है, पत्रकार का काम होता है ताकि वो जो लोग हैं उनको ये पता चले कि ये सुविधा कहाँ उपलब्ध है और वो वहाँ जाकर के उसका लाभ उठा सकें और साथ में वो खुद भी उनको अपना उनकी क्या भूमिका है लोगों की अपनी उस भूमिका को भी निभा सकें। जैसे कोरोना में हुआ, कोरोना में खाली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, जनता को भी उसमें अपना जो है भागीदार बनना पड़ता है। वो अगर सरकार कहती रहे मास्क लगाओ, जांच कराओ, अगर पब्लिक लोग आएंगे नहीं जांच कराने के लिए या जो मास्क लगाएंगे नहीं या जो नियम कायदे कानून सरकार ने बनाए उनको पालन पोषण उनको पालन नहीं करेंगे, उन नियमों का उन पर नहीं चलेंगे तो फिर बीमारी को जो महामारी बन चुकी होती है उसको रोका नहीं जा सकता और उससे होने वाले जो नुकसान है जो मौत के रूप में होता है या विकलांगता जो पैदा होती है उसके रूप में होता है वो नुकसान को भी नहीं रोका जा सकता। अगर हमें उसे रोकना है, कम करना है तो जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी जनता की होती है, लेकिन इसके बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान की जिम्मेदारी वो पत्रकार लोगों की होती है। अगर वो ईमानदारी से सारी सूचनाएं सारी जानकारी देते हैं तो उससे दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं, सरकार भी लाभान्वित होती है और लोग भी लाभान्वित होते हैं। तो पत्रकारिता का यही एक रोल है बीमारियों को कंट्रोल करने में, विकलांगता को कंट्रोल करने में और सुविधाओं के कहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराने में भी पत्रकारों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही जाकर के
क्षेत्र में जाके देखते हैं कि कहाँ कौन सी सुविधा है, कहाँ कौन सी सुविधा नहीं है। तो अगर वो बताएंगे जाके यहाँ पे सुविधा नहीं है, इतना बड़ा वास्ट इलाका है, इतना बड़ा बृहद इलाका है और उसमें यहाँ स्वास्थ्य की सेवा नहीं है, तो अधिकारी लोगों तक वो खबर पहुँचेगी तो अधिकारी लोग फिर आगे वहाँ पर वो सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे। तो पत्रकार का यही रोल है, साथ में वो किस हद तक सक्षम रूप से वो सुविधाएं काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं बनाई गई हैं, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जो हॉस्पिटल हो, वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी ऑन द स्पॉट जा कर के देखना, उसका असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना और उसकी सूचना फिर अधिकारियों को देना, ये भी पत्रकार लोगों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और सबसे ऊपर और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य यह है कि पत्रकार ईमानदारी से ही रिपोर्टिंग करे, जिसको भी उसे सूचना देनी है, चाहे पब्लिक को और चाहे अधिकारियों को, वो पूर्ण ईमानदारी उसमें बरतेगा तो उसमें देश और समाज दोनों का भला होगा। अगर ईमानदारी कहीं भी बेईमानी होगी उसमें, तो फिर देश और समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि सही सूचना नहीं पहुंचेगी तो सही प्रबंध स्थितियों का नहीं होगा। जो भी परिस्थितियां हैं या जो भी बीमारी को बढ़ाने में स्थितियां परिस्थितियां सहयोग कर रही हैं, वो परिस्थितियों के बारे में अगर सही जानकारी नहीं मिलेगी तो उनका प्रबंध करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में जब जानकारी देते हैं तो वो जनता तक पहुँचती है, पत्रकारिता के माध्यम से ही वो जनता तक पहुँचती है। इसलिए अगर उसके महत्व को डॉक्टर नहीं समझेंगे तो वो उनको कुछ भी कंट्रीब्यूशन आगे नहीं करेंगे। तो अगर उनको कंट्रीब्यूशन डॉक्टर करता है, पत्रकार को अपनी खबर देता है, कुछ बताता है अपने कि बीमारियों के बारे में, तो उसको बीमारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है, वैज्ञानिक जानकारी मिलती है, जिसका उपयोग वो लोग जनता में अंधविश्वास को दूर करने में या गलत फहमियों को दूर करने में कर सकते हैं। इसलिए पत्रकार का जुड़ना बहुत जरूरी है। पत्रकारिता के बारे में चिकित्सकों भी, जो भावी डॉक्टर लोग हैं, उनको भी इसके बारे में कुछ एकाध, चाहे वो एक ही लेक्चर में पढ़ाएं, वो भी होना चाहिए, क्योंकि वो उसके महत्व को तभी जान पाएंगे कि पत्रकारिता का महत्व जो है हमारे क्षेत्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी है, अरे और क्या महत्व है एक्चुअली, और हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं लोगों को जागरूक बनाने में। तो इसलिए पत्रकारिता का कुछ पार्ट, कुछ चाहे वो परिचयात्मक ही हो, लेकिन होना जरूरी है कि वो मेडिकल के क्षेत्र में या हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में पत्रकारिता कब से शुरू हुई और वो किस अवस्था में शुरू हुई और उसमें क्या क्या उसमें कंटेंट थे और वो क्या उसमें सब नेगेटिव ही पत्रकारिता कर रहे हैं या कुछ पॉजिटिव भी कर रहे हैं उसमें, ये सब पता चलना चाहिए उनको। और अगर पत्रकारिता उसको शास्त्र को गंभीरता से नहीं लेती है तो ये बहुत ही असंभव है कि हम बीमारियों को समाज में रोक सकें। इसलिए जरूरी है, नर्सिंग कोई स्वास्थ्य और मेडिकल से अलग नहीं होता, नर्सिंग भी उसका एक अभिन्न अंग है। तो इसीलिए नर्सिंग को भी थोड़ा बता दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नर्सिंग का मुख्य जो काम है, जो ज्यादातर काम है, वो ज्यादा संस्थागत काम है, वो किसी हेल्थ सेंटर में ही काम करते हैं। अब एक और कैटेगरी जो नर्सेस की होती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स, वो भी सेंटर से जुड़े होते हैं मगर वो जनता में जाके काम करते हैं। तो जो पब्लिक हेल्थ नर्स को अगर हम ओरिएंटेशन नहीं करेंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, उसका उपयोग वो कैसे कर सकते हैं, तो उनकी भी जो भूमिका है वो जैसे हमारी भूमिका उनसे अपेक्षित है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, अपनी भूमिका निभा नहीं पाएंगे। इसलिए उनको भी जानकारी देना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है जो जनता और सरकार और जनता और सेवादायकों प्रदायकों के बीच में एक कनेक्शन का, संपर्क का काम करती है, ठीक है। इसलिए अगर वो संपर्क बना रहता है तो स्वास्थ्य में तेजी से प्रगति होती है किसी भी देश में,
अगर वो संपर्क नहीं रहता है तो स्वास्थ्य में तेजी नहीं होती पाती। वो चलेगी, कछुआ की चाल चलती रहेगी, मगर उतनी तेजी से नहीं चलेगी। और लोगों के जो स्वास्थ्य की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, उस पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो तेजी से पत्रकारिता, जो पत्रकार लोग जुड़ते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से और वो जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, तो ये नुकसान बहुत कम समय में कम किया जा सकता है और जनता को स्वस्थ बनाया जा सकता है। उसमें जो मृत्यु दर है, चाहे मातृत्व मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर हो या क्रूर डेथ रेट हो, ये सभी कम हो जाएंगे तेजी से, क्योंकि उसके थ्रू उसी के माध्यम से जागरूकता फैलेगी, और जागरूकता फैलेगी तो लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे और वो जिम्मेदारी समझते हुए कुछ कदम उठाएंगे, तो उसका जो फायदा है वो सरकार को भी मदद करेगा ना। क्योंकि अब मान लो सफाई का काम ले लो, तो सफाई और कितने ही आप स्वच्छता अभियान चलाते रहो, लेकिन अगर पब्लिक सहयोग नहीं करती है उसमें, तो स्वच्छता अभियान भी सफल नहीं हो सकता। वो लोगों को ही तय करना है कि हमें कूड़े को एक नियत जगह पर डालना चाहिए, इधर उधर ना फैलना चाहिए, और उनको ऐसी जगह ना फैलें जहाँ पे वो पानी के ड्रेनेज की जगह पर जाकर उसको ब्लॉक कर दें। तो बहुत सारी समस्याओं जैसे मच्छर से पैदा होने वाली रोग हैं, या जो वाटर लॉगिंग हो जाती है उसकी वजह से डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियां फैल जाती है, वो नहीं फैलेंगी। तो इसलिए यहीं पर एक रोल आता है पत्रकार का, बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है। वो इन चीज़ों को भी देखे और लोगों को जागरूक करें, जैसे नॉलेज बढ़ती गई, जैसे जैसे उसका स्कोप बढ़ता गया और उसी तरह से जो है वो उसका स्कोप बढ़ने से फिर इसके नाम लोगों ने सूझा कि जन स्वास्थ्य रखें, इसका सामुदायिक स्वास्थ्य रखें। सामुदायिक स्वास्थ्य में मेन जो मुख्य जो वो होता था, ध्यान दिया जाता था, वो ट्रीटमेंट उपचार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता। जन स्वास्थ्य में जो दूसरे और कदम हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ नाम का ही अंतर है, ना उनके उद्देश्यों में कोई अंतर है, ना उनसे जन स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों में कोई अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, एक केवल नाम अलग अलग है बस। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी कई ऐसे लोग थे जो पब्लिक हेल्थ के नहीं थे, लेकिन उन्होंने यहाँ PhD की है, MSc होकर के उन्होंने PhD किया है, और कहीं से माइक्रोबायोलॉजी में कुछ करके आए थे उन्होंने की है, नर्सेज ने यहाँ पे PhD, कई विदेशी नर्सेज ने यहाँ पे PhD की है, मगर आजकल जो है वो पता नहीं क्यों बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ये हमें भी पता नहीं है। ये कई लोग ऐसे आ जाते हैं कई बार जो उसके महत्व को नहीं समझते हैं, और वही सोचते हैं हम अपने मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को हम PhD भी दें, अरे उनमें तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उससे सुपीरियर जो डिग्री है MD वो पहले ही कर रहे हैं, और उसी से के आधार पर उनको जॉब भी मिल जाती है, तो PhD करने की वो आएंगे। जैसे पता नहीं लोगों को ये समझ में क्यों बात नहीं, ये तो हमें पता नहीं, मगर वो सोचते हैं कि भाई PhD हम दूसरे नॉन मेडिकल लोगों